दोस्तों, 1 मार्च को महाशिवरात्रि के साथ इस साल के माघ मेले का समापन हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस साल के माघ मेले के कुछ अद्भुत नज़ारे। पड़े हुए हैं शास्त्री ब्रिज पे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने आपको दूर दूर तक तंबुओं का एक अनोखा शहर सा दिखाई दे रहा होगा, जो कि 45 दिनों के लिए संगम किनारे बस जाता है माघ के महीने में। माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में संगम के तट पर आयोजित एक महत्वपूर्ण वार्षिक महोत्सव है। ये हर साल मकर संक्रांति के पर्व पे शुरू होकर महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान से संपन्न होता है। यहाँ पर कई धार्मिक संगठन और आश्रम अपने अपने शिविर लगा के अपने भक्तजनों के रहने और कल्पवास करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ दिन रात बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं का प्रवचन भी चलता रहता है, जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हर जगह पे भंडारे चलते रहते हैं, पर ओम नमः शिवाय प्रयागराज संस्थान द्वारा भंडारा मेरे में कई जगह पे 24 घंटे चलता रहता है। श्रद्धालुओं के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी सारे झूले, खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स, जहाँ पे आपको चाय, मोमोज, चाट और चाइनीज जैसे खाने के बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। और साथ ही में आपको घर के सामान की खरीदारी के लिए भी बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। We'll be right back.
उसी तरह से बोल रहा है। इसका व्यवहार करने का जो तरीका था, इसका सील रूप गुण आकार, इसका जैसा था उसके अंदर वैसा ही है। हाँ मैं होकर पहला हमारा जीव का शत्रु काम है, दूसरा लोभ, तीसरा क्रोध, त्रिविधं नरकेषु। तब देवता नहीं, अमृत मिलेगा कहाँ? समुद्र के अंदर मंथन किया जाए तो अमृत निकले, लेकिन मंथन का काम इतना गुरु है। महायंत्रों का प्रवर्तन उपातक है, अर्थात अराजकता को सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना। अगर आप भी इस अनोखे और भक्ति में मिलेगा अनुभव लेना चाहते हैं तो एक बार जनवरी से फरवरी के महीने प्रयागराज जरूर विजिट करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो चटोरा मुसाफिर को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।